हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी शीत युद्ध का दौर कर रहे हैं और इस चैप्टर का पार्ट 3rd है। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन विद्यार्थियों द्वारा नहीं देखा गया है उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों द्वारा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कर दें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के गुट यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, ठीक है। और उस गुट की अगर हम बात करें तो पहले गुट को दोस्तों मित्र राष्ट्र कहा जाता था। यहाँ दोस्तों, पहले गुट को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। मित्र राष्ट्र मतलब दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं चार राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्हीं गुट को दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार में विजय भी मिली थी और इन्हीं को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा गुट था दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, वो है धुरी राष्ट्र। जिन राष्ट्रों को दूसरे विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। बेसिकली दोस्तों, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था इन्हीं दोनों गुटों के बीच एक संघर्ष था। इन्हीं दोनों गुटों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसी को हम दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार यानी दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है कि सोवियत संघ जो अमेरिका के साथ मित्र राष्ट्र के समूह में शामिल था और सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त हो जाने के बाद ही अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य ही शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो जाता है। ये अपने पहले वीडियो में हमने क्लियर कर दिया इसको, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं मैप में कौन कौन से, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो एक्सिस पावर थी इसमें जर्मनी, इटली और जापान, और जिसे हम मित्र राष्ट्र कहते हैं यानी इसमें कौन कौन से शामिल थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन है ये 1941 में इसमें शामिल हुआ और यूनाइटेड स्टेट भी 1941 में इसमें शामिल हुआ। पहले फ्रांस और ब्रिटेन इस गुट में पहले से ही शामिल थे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध का अंत। तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? दूसरे विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और जापान घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। यानी दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब होता है? दूसरे विश्व युद्ध का अंत तब होता है जब अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों एक हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए गए और उसी बम गिराने बाद जो है दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। क्लियर हो जाता है दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों ये जो बम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस बम को दोस्तों क्या नाम दिया जाता है? इस बम को दोस्तों फैट मैन कहा गया। क्या कहा गया? फैट मैन। हालांकि जो बम है दोस्तों ये 9 अगस्त को गिराया गया था। कहाँ पर? नागासाकी पर। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था उसे दोस्तों लिटिल बॉय कहा गया। इस बम से थोड़े से आकार में बम थोड़ा सा पतला था दोस्तों। ये बम जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल फैटी दिख रहा है तो इसे फैट मैन कहा गया है। और जो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था इसे थोड़ा सा पतला था दोस्तों, उसे क्या कहा गया है? लिटिल बॉय। तो जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था उसे क्या कहा गया है? उसे कहा जाता है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फैट मैन कहा जाता है। तो अगर जो 6 अगस्त 1945 में जो बम गिराया गया था दोस्तों उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से दर्शाया गया है कि इस जनहानि में जो अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराया गया था हिरोशिमा पर उसमें 80,000 के आसपास लोग मारे गए थे दोस्तों, ठीक है। 35,000 लोग घायल हुए थे, 62,000 जो बिल्डिंग दोस्तों डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी तरह अगर हम सोल्डर्स की बात करें, सैनिकों की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है आपको दोस्तों कि बिफोर एक्सप्लोजन यानी जापान में इस परमाणु अटैक से पहले 43,000 के आसपास क्या थे दोस्तों? सैनिक थे। जो परमाणु बम गिराने के बाद कितने बचते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपको दिख सकता है
वो कितने बचाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर अंदाजा दिख सकता है आपको कितने बचते हैं। तो इस तरह से खतरनाक तरीके से जापान पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 बम गिराया गया था। इसका एरिया कितना था कवर किया था दोस्तों, 2.5 किलोमीटर और 60 किलोमीटर तक ये जो इनका रेडियस था फैला हुआ था। इतना खतरनाक एक्सप्लोजन था 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था हिरोशिमा पर। तो इसी के बाद दोस्तों जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। अब देख सकते हैं आप चित्र में कितना भयानक दृश्य दिखाया गया, एक चित्रकार ने इसको बहुत सही तरीके से दर्शाया, इसलिए मैंने आपको दिखाना इसको सही समझा कि किस कितना भयानक था वो समय जब अमेरिका द्वारा जापान के दोनों शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। दोस्तों आज के परमाणु बम उससे कई हजार गुना ज़्यादा ताकतवर है जो 1945 में अमेरिका द्वारा गिराया गया। सोचो अगर आज परमाणु बम की स्थिति उत्पन्न, अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती दुनिया दोस्तों पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर बमों की कूटनामी पूछता है कि जापान और हिरोशिमा पर जो जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे उनका कूटनाम क्या था। तो जो दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को दोस्तों जो बम गिराया गया था नागासाकी पर उसका नाम क्या था, फैट मैन। ठीक है, तो ये कूट नाम है उन बमों के जो अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए थे। ठीक है, इसी के बाद ही दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों, और इसी के बाद यानी अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद दोस्तों अमेरिका की आलोचना की गई थी। तो अमेरिका की आलोचना किस आधार पर की गई दोस्तों, अमेरिका जो है इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है और ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों, चूँकि अमेरिका इसी ताक में बैठा हुआ था कि जापान किसी भी प्रकार का कोई भी हरकत करता है तो वो बस अपने बमों का प्रयोग करना चाहता था। और उसको एक मौका मिला तो उसने इस बम का प्रयोग, इस बम का जो परीक्षण था जो उसने तैयार किया था उसको नागासाकी और हिरोशिमा पर कर दिया। ठीक है, ये आलोचक कहते हैं कि जो जापान है वो आत्मसमर्पण करने वाला था, उसने आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दिया था, फिर भी अमेरिका ने ये सब जानते हुए भी अपने बमों का प्रयोग करने के लिए जानबूझकर जो है जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए। ठीक है, अब इसके समर्थक क्या कहते थे, समर्थक में क्या कहा गया, अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। जो बम का समर्थक करते हैं दोस्तों वो उनका ये मानना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए और लोगों की जनहानि से बचाने के लिए और तरीके से समाप्ति की ओर जो जो तबाही बच रही थी उसको रोकने के लिए ही अमेरिका ने क्या किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। तो ये समर्थकों का तर्क, आलोचकों का तर्क जो भी है दोस्तों, बम गिराया गया था, हालांकि बाद में भी ये पूरी तरह से साक्ष्य भी आगे कि अमेरिका ने जानबूझकर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। उसके बाद आपको पता है दोस्तों कि जापान जो है अब अमेरिका के ब्रू अम्ब्रेला पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ब्रू अम्ब्रेला पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जापान के पास अपना कोई हथियार, अपना कोई परमाणु बम नहीं है, वो किसके साथ है, वो अमेरिका के साथ आता है। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका उसे अपने अम्ब्रेला के अंतर्गत ले रखा है, जापान जो है अब अमेरिका के साये में रहता है हथियारों की तरह की अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसी तरह देखेंगे दोस्तों हमले के पीछे उद्देश्य क्या था, हमले के पीछे के उद्देश्य क्या था कि वह सोवियत संघ के सामने भी जारी करना चाहता था या जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को, सभी को पता है कि अमेरिका की इसी नीति के माध्यम से, इसी नीति की वजह से ही जो है दुनिया में शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि सोवियत संघ जो अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के सम्मुख था, उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसे भी नहीं पता चला था कि अमेरिका जो है जापान पर परमाणु आक्रमण करने वाला है। और इसी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद ही इन्हीं दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो जाता है, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो अमेरिका सोवियत संघ को बताना चाहता था कि अमेरिका ही जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी राष्ट्र नहीं है। टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों, इसी बात पे दोस्तों एक लाइक एक शेयर तो बनता ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा दोस्तों, ऐसी वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ठीक है दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों कब हुआ था, 1962 में हुआ था,
चलिए बात कर लेते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। अब कौन सा देश है? तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के हैं, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता भी देता था। तो दोस्तों अगर हम क्यूबा की बात करें, अगर हम थोड़ा सा मैप में देखें तो क्यूबा जो है दोस्तों अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है ना। आप देख सकते हैं ये दोस्तों क्यूबा है, और ये जो क्यूबा है दोस्तों वो अमेरिका के तट से बिल्कुल सटा हुआ है और वो सोवियत संघ से बहुत दूर है। लेकिन क्यूबा की जो नज़दीकी है दोस्तों वो किससे थी? वो यूएसएसआर से थी। किससे थी? यूएसएसआर, जब हम कहते हैं सोवियत संघ से थी। और सोवियत संघ है दोस्तों वो क्यूबा को जो वित्तीय सहायता देता था, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों कि क्यूबा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था। 1960 के दशक में जब शीत युद्ध पूरे जोरों शोरों पर चल रहा था, तब सोवियत संघ को इस बात की आशंका थी कि अमेरिका जो है क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने साथ मिला लेगा। ये क्यूबा जो है क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल सटा हुआ राष्ट्र था, देश था, द्वीपीय देश था। और अभी आपको पता है दोस्तों क्यूबा अभी जाकर अमेरिका से आज़ाद हुआ है 2008 और 2010 के करीब। तो अब सोवियत संघ इस बात से लगातार डर रहा था कि हो सकता है जो अमेरिका है क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लेगा और उसके बंदरगाहों का उपयोग सोवियत संघ से युद्ध के लिए अमेरिका करेगा। तो इसी डर की वजह से दोस्तों क्या हुआ, इसी डर की वजह से ही हम कह सकते हैं कि एक मिनट, ठीक है। अब इसी डर की वजह से ही दोस्तों क्या होता है कि हाँ, इसी डर की वजह से दोस्तों सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला ले लिया। अब 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करके वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। यानी 1962 में जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। और इन हथियारों की तैनाती से पहले पहली बार अमेरिका किसी भी मिसाइल के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में दोस्तों अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। यानी जैसे ही निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपने परमाणु मिसाइलें क्यूबा के तटों पर अपने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, उसी तैनाती के बाद ही जो अमेरिका है वो पहली बार अमेरिका जो है पहली बार किसी देश के निशाने पर डायरेक्ट आ जाता है। और इसी मिसाइल की तैनाती करने के बाद जो है क्यूबा अब अमेरिका के दुगुना शहरों को अपना निशाना बना सकता था इस मिसाइल की तैनाती के बाद, ठीक है। और अमेरिका को दोस्तों इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे। अब ऐसा क्या करने से हिचकिचा रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों राष्ट्र दोस्तों जो है परमाणु शक्ति संपन्न है। अगर दोनों ने किसी भी किसी प्रकार का अगर हथकर आप कह सकते हैं किसी प्रकार की योजना बनाई, युद्ध लड़ने की योजना बनाई, तो दोनों को समान नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हिचकिचा रहे थे कि क्या कदम उठाया जाए। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को सोवियत लड़ाकू बेड़ों को रोकने का आदेश दिया। इससे दोनों देशों के बीच दोस्तों युद्ध की संभावना पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि दोस्तों युद्ध होकर रहेगा। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और युद्ध में अत्यधिक विनाश को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध ना करने का निर्णय किया तथा सोवियत संघ ने भी अपने जहाज़ों की गति या तो धीमी कर ली या वहाँ से वो अपने हथियार वहाँ से उन्होंने वापस कर लिए। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि दोस्तों किस तरह से दोनों सेनाएं जो हैं आमने सामने थी। बिल्कुल इधर से आप देख सकते हैं सोवियत संघ की जो सेना है वो आमने सामने थी, इधर से अमेरिका की सेना आमने सामने थी। और अगर थोड़ी भी दोस्तों किसी बात का मनमुटाव होता तो युद्ध हो जाता, परंतु दोनों नेताओं ने समझदारी भरा निर्णय लिया और युद्ध ना करने का फैसला लिया। क्योंकि दोनों को पता था दोस्तों अगर दोनों क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे, दोनों समान रूप से क्षति पहुंचा सकते थे, ठीक है। और ये युद्ध की स्थिति पूरी बन चुकी थी और इसे ही दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले अगर देख लेते हैं क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दो बड़ी महाशक्तियाँ आमने सामने थी। तो और क्यूबा मिसाइल संकट को दोस्तों शीत युद्ध की अंतिम परिणति भी कहा जाता है। शीत युद्ध की अंतिम परिणति का मतलब था कि मानव युद्ध हो जाएगा, अब ये शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो 1962 क्यूबा मिसाइल संकट।
अब जान लेते हैं दोस्तों क्यूबा मिसाइल जो संकट था उसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, प्रमुख थे। तो क्यूबा से थे फिदिल कास्त्रो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोवियत संघ से कौन से दोस्तों, तो निकिता क्रुशियव, और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। इन्हीं तीनों लोगों ने दोस्तों मुख्य भूमिका निभाई थी इस संकट के दौरान। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुशियव और फिदिल कास्त्रो, ये वो तीन लोग हैं दोस्तों जिन्होंने आप कह सकते हैं कि इन्हीं के कदमों की वजह से, इन्हीं के चलते दोस्तों दुनिया को एक बार फिर युद्ध का सामना, थर्ड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ सकता था यदि सही समय पर कोई सही फैसला नहीं लिया गया होता तो। क्लियर हो जाता दोस्तों? चलिए, तो इसी बात पे दोस्तों एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के बाद समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं पूर्वी यूरोप यानी सोवियत संघ को दोस्तों पूर्वी यूरोप के नाम से जाना जाता है, इसे दूसरी दुनिया के देश भी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं, तो पूर्वी यूरोप को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। पश्चिमी यूरोप के को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है, इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। तो पूर्वी यूरोप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए थे। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये दोस्तों वो देश हैं जो पूर्वी यूरोप में यानी सोवियत संघ के संगठन में शामिल थे, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। तो दोस्तों ये दोनों देश ना दोस्तों अधिक से अधिक छोटे देशों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। इधर अगर हम पश्चिमी यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने दोस्तों अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस पश्चिमी गठबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि देश शामिल थे। तो दोस्तों एक भी क्लियर हो जाता है कि पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश शामिल थे, पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश शामिल थे, पूर्वी यूरोप को किस नाम से जाना जाता है और पश्चिमी यूरोप को किस नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? दोस्तों हमें यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल नया है। यदि आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों तो हमारा प्रोत्साहन और इसी तरह बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए इसी तरह ही वीडियो बनाते रहेंगे। क्लियर? चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं नाटो। जी हाँ, पश्चिमी यूरोप के जो गठबंधन थे उनको नाटो भी हम कह सकते हैं। तो पश्चिमी गठबंधन ने दोस्तों स्वयं को एक संगठन का रूप दिया और 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें कुल 12 देश शामिल थे। तो नाटो का फुल फॉर्म भी पूछता है पेपर में दोस्तों, स्थापना भी पूछी गई है। तो नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें पहले कितने देश शामिल थे दोस्तों? 12 देश शामिल थे। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका अगुवाई कर रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए इसी तरह दोस्तों पूर्वी यूरोप के देशों ने किस गठबंधन का सहयोग किया, तो पहले जान लेते हैं कि इस संगठन ने दोस्तों घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। यानी दोस्त नाटो के जितने भी सदस्य देश थे, यदि उस पर किसी बाहरी देश ने अगर आक्रमण किया तो नाटो के जितने भी सदस्य देश थे वो सभी अपने ऊपर वो हमला मानेंगे और ये सारे देश इकट्ठा होकर उस देश पर एक साथ में आक्रमण करेंगे जिसने नाटो के किसी संगठन के सदस्य देशों पर आक्रमण किया है। तो यह था दोस्तों नाटो। क्लियर हो जाता है दोस्तों? चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों वारसा संधि। यानी दोस्तों सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1955 में होती है और इसका मुख्यालय दोस्तों नाटो में, इसका जो मुख्य काम क्या था? नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, यानी जो भी नाटो में शामिल देश हैं उन देशों की जो विचारधारा है उसके मुकाबला करने के लिए ही सोवियत संघ ने वारसाई संधि की स्थापना की थी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दूसरी दुनिया के देशों ने इस वारसा संधि की स्थापना की, जिसे हम पूर्वी यूरोप कहते हैं या वारसा संधि या पूर्वी गठबंधन के नाम से आप इसे समझ सकते हैं। स्थापना 1955 में, इसका विघटन 1991 में हो गया था। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आज का आखिरी टॉपिक दोस्तों, महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का क्या महत्व है या क्या महत्व था। इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाशक्तियाँ जो हैं छोटे छोटे देशों को अपना गठबंधन क्यों बनाना चाहती थी। तो सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए, तो महाशक्तियाँ जो हैं चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो,
वो छोटे छोटे देशों को अपने गठबंधन इसलिए बनाना चाहती ताकि उन छोटे छोटे देशों के साथ में जो संसाधन थे उन संसाधनों का उपयोग कर सके। दूसरा दोस्तों भू क्षेत्र के लिए महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके, यानी सोवियत संघ और अमेरिका जो है उन छोटे छोटे देशों का जमीनों का उपयोग कर अपने हथियारों का संचालन कर सकती थी, अपने सेना का संचालन दूसरे देशों पर भेजने के लिए कर सकती थी, इसलिए भी वो इन छोटे छोटे देशों के साथ सहयोग और गठबंधन किया करती थी। सैनिक ठिकाने स्थापित करने के लिए तो दोस्तों जो महाशक्तियाँ, क्योंकि आपको पता है कि सोवियत संघ और यूरोप दोनों, जो सोवियत संघ है और अमेरिका है, दोनों का एकमात्र उद्देश्य ये था कि कैसे अपने आप को विश्व में आगे बढ़ाया जाए, कैसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बना जाए। इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये अन्य छोटे छोटे देशों को दोस्तों अपना सहयोग कर रहे थे, उनके साथ गठबंधन कर रहे थे ताकि वो वहाँ पर सैनिक ठिकाने स्थापित कर ले। आर्थिक मदद, गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने मददगार हो सकते थे। जो छोटे छोटे देश, जिन छोटे छोटे देशों में दोस्तों ये दो महाशक्तियाँ अपने सैनिक अड्डे बनाती थी, और वो देश ही इन जो अमेरिका और सोवियत संघ जो भी सैनिक अपने वहाँ रखते थे, तो उन सैनिकों का खर्च कौन वहन करता था? वो छोटे छोटे देश वहन करते थे। इससे दोस्तों एक एक काम से दो काज हो जाता था, यानी कह सकते अमेरिका के सैनिक भी अन्य देशों पर वहाँ से कूच कर सकते थे, और अमेरिका और सोवियत संघ को अपने सैनिकों को वेतन भी नहीं देना पड़ता था इस तरीके से। और पाँचवा क्या काम था दोस्तों? विचारधारा, यानी गुटों में शामिल छोटे छोटे देशों पर अपनी विचारधारा आसानी थोप सकती थी। यानी अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो वो साम्यवादी विचारधारा की बात करते थे, अमेरिका की बात करें तो पूंजीवादी विचारधारा की बात करती थी। तो इन्हीं छोटे छोटे देशों में ये देश आसानी से अपने विचारधारा को थोप सकते थे और उन्हें अपने अगुवाई बना सकते थे या उनमें शामिल हो अपने आप में उनको शामिल कर सकते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दें दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके नोटिफिकेशन में नहीं आ पाएगी और आप इस वीडियो से वंचित रह जाएंगे। तो हमें यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए, और अभी तक जितना भी सपोर्ट किया आप लोगों ने उसके लिए तहे दिल शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज के लिए, और जय हिंद।